आज पठानकोट के हलका भोआ के विधायक जोगिंदर पाल ने वन विभाग की ओर से अड्डा सरना में बनाई गई नेचर पार्क में करवाए गए कार्य पर कई तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े किए। बता दें कि आज जब विधायक जोगिंदर पाल ने इस पार्क का दौरा किया तो देखा कि वहां पर लोगों के बैठने के लिए लगाए गए बेंच जिस पर एक निजी अस्पताल का नाम लिखा हुआ था वो मिटाकर उस पर वन विभाग पठानकोट लिखा हुआ था। इसके चलते जब इस संबंधी विधायक ने अस्पताल के डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि उसकी ओर से 5 बेंच व 8 लाइटें दान की गई थी, जिसके चलते विधायक को गुस्सा आ गया और विभाग के अफसरों की इस काम के लिए जांच करने की बात कहने लगे। विधायक ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी की दान दी हुई चीज को कोई सरकारी अधिकारी अपनी बना ले। उन्होंने कहा कि वह इसकी जांच करवाएंगे कि आखिर यह मामला क्या है। उधर जब इस संबंधी वन विभाग के अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह सही है कि यह बेंच निजी अस्पताल की ओर से दान दिए गए हैं, पर यह बेंच गलती से यहां लग गए थे, जिसके चलते उन्होंने इस पर रंग कर वन विभाग पठानकोट लिख दिया। पर यह भी बात सही है कि जो उनके अपने बेंच थे वह इस पार्क की थोड़ी ही दूरी पर लगे हैं जिस पर उक्त निजी अस्पताल का नाम लिखा हुआ है, इसलिए इसमें इस तरह की कोई भी जांच वाली बात नहीं है। नेशनल 18 के लिए पठानकोट से कैमरा पर्सन अशोक कुमार के साथ अजय कुमार की रिपोर्ट। कुर्सियां लगियां पईयां इत्थे एसकेआर हॉस्पिटल जद कि लिखिया वन विभाग हैगा पार्क बणी है की हैगा है। देखो पहली गल तो यह है कि भोआ कौंसी चौंसी के वार्डा ने यह पार्क बनया तो जिस दिन ये ओपनिंग की है तो उस इलाके के विधायक नूं सद्या नहीं गया। जे सद्या नहीं गया सद्या क्यों नहीं गया? ये अज मैनूं पता लगा भी रक्षे हुण जिहड़े आपां डोनेट कीते है साडी कारपोरेशन ने पंजां वार्डां च उह मैं देखण वास्ते जां उहनां दी ओपनिंग करन वास्ते लोकां नूं जिहड़े रक्षे देते है वह मैं दे के ते उस तों बाद मैं कहा मैं पार्क देख लां। पार्क दे विच देखिआ तुहाडे सामने सरासर बेईमानी लुभ रही है। एसकेआर दे डाक्टर नाल वी तुहाडे सामने रिकॉर्डिंग तुसीं कर ली है। डॉक्टर साहब ने कहा भी 5 कुर्सियां मैं ओनली फॉर डोनेट की हैं 8 लैटर जिहड़ियां डोनेट की हैं तो मैं वन विभाग के जिहड़े भी डाकू ने इन्हें मैं पूछना चाहना भी तुसीं 20 लाख रुपया लाता है ये पार्क दे विच ये तो नहीं मैं बख्शना किसी नूं। ये कल CM साहब को जावांगा जाके मैं इहदी रिकॉर्डिंग सारा मैं देख लिया जो भी आया इहदी फोटो खिंच ली है जाके उत्थे दस के आवांगा भी इह तुहाडे ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ 'ਚ ਉਸਲੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇਂਟ ਫੇਰਿਆ ਪੇਂਟ ਫੇਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਲਿਖ ਲਿਆ ਨੇ ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਪਠਾਨਕੋਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਾਧੇ ਗਏ ਆ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਖਾਧੇ ਗਏ ਆ 18 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਹੈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾਧੇ ਹੋਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ। ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ SKR ਹੋਸਪਿਟਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 5 ਬੈਂਚ ਅਤੇ 8 ਲੈਟਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਲੇਬਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਬੈਂਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ। ਮੈਂ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਨਮੈਂਟ ਲਿਖ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ 5 ਬੈਂਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ SKR ਹੋਸਪਿਟਲ ਲਿਖਵਾਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਲਾਈਟਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਾ ਮਲਕਪੁਰ ਲਾਗੇ 4 ਲਾਈਟਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਅਤੇ 4 ਲਾਈਟਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਉਹ 8 ਲਾਈਟਾਂ ਉੱਥੇ ਲਗਵਾਤੀਆਂ ਅਤੇ 5 ਬੈਂਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ SKR ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੋਇਆ।